अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्रिकेटर सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है, तो आज हम जिस क्रिकेटर का जिक्र अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं उनका नाम है आसिफ अली। आसिफ अली एक पाकिस्तानी पेशावर क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आसिफ नॉर्दर्न की नुमाइंदगी करते हैं और वो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। वो इन 33 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2018 और 19 के सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा था। आइए नज़र डालते हैं आसिफ अली की इब्तदाई ज़िंदगी पर। आसिफ 1 अक्टूबर 1991 को फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। इनकी उम्र तकरीबन 31 साल है। आसिफ अली ने कामयाबी हासिल करने से पहले बहुत मेहनत की। ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि अपनी जाती जिंदगी में भी। क्रिकेट से पहले वो लोहे की फाउंड्री में मजदूरी करते थे। बाद में उन्होंने एक कामयाब क्रिकेट खिलाड़ी बनने के ख्वाब का ताकुब किया और इस पर पाकिस्तान को उन पर फख्र है। आइए अब नजर डालते हैं आसिफ अली के कैरियर पर। आसिफ अली दाएं हाथ के बल्लेबाज और राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर हैं। आसिफ अली के पास ऐसे नंबर नहीं हैं जो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए की सतह पर आपकी तवज्जो हासिल करें, लेकिन उनके T20 के नंबर्स पर एक नज़र डालें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस आदमी को खेल का मुख्तसर तरीन फॉर्मेट पसंद है। उन्होंने 19 साल की उम्र में फैसलाबाद के लिए 2010 में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने T20 स्टेज पर अपनी आमद का ऐलान किया वो हमेशा के लिए यादगार रहेगा। फैसलाबाद बुल्स की जानिब से खेलते हुए उन्होंने मुल्तान टाइगर्स के खिलाफ 60 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी, जिसमें 9 चौके और 7 छक्के शामिल थे। आसिफ फर्स्ट क्लास खेलने से पहले लोहार के तौर पर काम करते थे, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 स्टार हैं। इनके कारनामों की निशानदेही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की थी और वो PSL के पहले एडिशन में टाइटल की फतह का हिस्सा थे। 3 इनिंग्स में 34 रन बनाने के बाद वो टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में बेहतर सौदे की उम्मीद कर रहे थे और जो कि उनको हासिल भी हुआ। आसिफ अली के कैरियर में मिसबाउल हक का क्या किरदार है, आइए इस पर बात करते हैं। मिसबाउल हक ने बतौर क्रिकेटर तरक्की में अहम किरदार अदा किया और इब्तदाई तौर पर इन्हें 2011 के सुपर 8 2020 कप में पावर हिटर के तौर पर मुंतखब किया, जब वो फैसलाबाद की क्रिकेट टीम के कप्तान थे। वो साल 2017 और 18 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में फैसलाबाद के लिए 6 मैचों में 369 रन के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 2017 में एवरेस्ट प्रीमियर लीग में पोखारा राइनोस के लिए भी खेला। अप्रैल 2018 में इन्हें 2018 के पाकिस्तान कप के लिए पंजाब के स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, 4 मैचों में 328 रन बनाए। 3 जून 2018 को इन्हें ग्लोबल T20 कनाडा टूर्नामेंट के इफ्तिताही एडिशन के लिए खिलाड़ियों के ड्राफ्ट में एडमिंटन रॉयल्स के लिए खेलने के लिए मुंतखब किया गया। अक्टूबर 2018 में इन्हें झांसी सुपर लीग T20 टूर्नामेंट के पहले एडिशन के लिए केप टाउन बिल्स के स्क्वाड में शामिल किया गया था। सितंबर 2019 में इन्हें साल 2019 और 20 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए नॉर्दर्न स्क्वाड में शामिल किया गया था। नवंबर 2019 में इन्हें 2019 और 20 की बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ढाका प्लाटून के लिए खेलने के लिए मुंतखब किया गया। जुलाई 2020 में इन्हें 2020 की कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए जमैका तलावा स्क्वाड में शामिल किया गया। अक्टूबर 2020 में इन्हें जाफना स्टालियंस ने लंका प्रीमियर लीग के इफ्तिताही एडिशन के लिए तैयार किया था और जनवरी 2021 में इन्हें 2020 और 21 के पाकिस्तान कप के लिए नॉर्दर्न स्क्वाड में शामिल किया गया। इन्हें CPL 2021 के लिए भी चुना गया था। दिसंबर 2021 में और 2022 पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर्स ड्राफ्ट के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन पर दस्तखत किए थे। जुलाई 2022 में इन्हें कोलंबो स्टार्स ने लंका प्रीमियर लीग के तीसरे एडिशन के लिए साइन किया था। अगस्त 2022 में इन्हें होबार्ट ब्रिकन्स ने BBL 12 के लिए साइन किया था।
आइए अब बात करते हैं आसिफ अली के बैन अलगवानी कैरियर के बारे में। मार्च 2018 में इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की 2020 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपना T20 डेब्यू किया। उन्होंने 13 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपना ODI डेब्यू किया। मई 2019 में इन्हें 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया था, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के लिए इनके आखिरी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था। आसिफ अली ने अपने बैन अलगवामी कैरियर के पहले 3 सालों में असर बनाने के लिए जद्दोजहद की। आसिफ अली इन सालों में कहां थे जब पाकिस्तान को पावर हिटर के लिए जरूरत थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में नुमाया होने के लिए आसिफ अली के लिए PSL की नुमाइश हुई, जो कि 2018 में इनकी टाइटल जीतने वाली मुहिम के लिए इनकी जिम्मेदारी थी। ये इस वक्त तक नहीं था जब तक उन्होंने एसाब शिकन ताकुब में तीर में 3 छक्के नहीं मारे थे कि इनकी टीम की फतह यकीनी थी। इन बहादुरों ने इन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20s के लिए कौमी टीम में बुलाया, जहां उन्होंने पूरी आसानी के साथ कदम बढ़ाया। टीम में अपने किरदार के बारे में वाजे थे कि इनसे पहले ही मुख्तसर तरीन फॉर्मेट में कई अहम कैमियोज खेले हैं ताकि अपनी साइड को लाइन पर ले जा सकें, जिसमें स्ट्राइक रेट 160 के लगभग है, जो आला तरीन सतह पर सबूत है। वनडे क्रिकेट में एक फिनिशर के तौर पर वो इसी तरह मुतासर करते हैं, हालांकि अगर पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की कमजोरी बरकरार रहती है तो इसे नीचे ऑर्डर पर जाना पड़ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि वो टीम के अंदर मखसूस ज़रूरत को पूरा करते हैं। शायद बहुत से ऐसे बल्लेबाज नहीं होंगे जिन्होंने T20 फॉर्मेट में आसिफ अली को हासिल किया हो। मुल्तान टाइगर्स के खिलाफ पहली बार वुल्फ्स के लिए खेलने के लिए वो मुंतखब हुए थे। इस वक्त के 19 साल खिलाड़ी ने मैच की पहली ही गेंद पर ओपनर मोहम्मद हफीज के हारने के बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए शानदार सेंचुरी बनाई थी। उन्होंने बिल्कुल 100 रन बनाए और इस इनिंग्स में 9 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इसका जिक्र हम आपके साथ पहले भी कर चुके हैं, जिस पर इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था। इन्हें चैंपियंस लीग T20 के लिए वुल्व्स की टीम में भी लिया गया था। सितंबर 2021 में इन्हें 2021 के ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ अहम रन बनाकर अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 7 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 25 रन बनाने पर उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था। आसिफ अली ने नवंबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था। इन्हें एशिया कप 2022 के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया था। 8 सितंबर 2022 को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 की खिलाफ वर्जी करने पर इन पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया था, जब वो अफगानिस्तान के बॉलर फरीद अहमद के साथ गर्मा गर्म तबादले में मुलव्वस हो गए थे। आसिफ अली एक पुरजोश खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। वो हमेशा अपने मद्दाहों और इन लोगों के दिल जीतते हैं जो इनकी शानदार खेल की महारत के लिए इनकी वाकई तारीफ करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की टीम में 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मई 2019 में खेलने के लिए नामजद हुए। फिर PCB ने सीरीज के लिए अपनी फाइनल 15 मैन टीम को नामजद किया। आसिफ अली ने ICC वर्ल्ड कप के लिए 11वें घंटे में कुछ बड़े रन बनाए, लेकिन जाती वजूहात की बिना पर इन्हें एक अलमिया ये हुआ कि उन्होंने अपनी 2 साल बेटी को खो दिया, जो कैंसर के एडवांस स्टेज में मुब्तला थी। आसिफ के कैरियर का बेहतरीन वक्त इंतहाई गम के बादल तले गुजरा। वो PSL 2020 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेल रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी इस शानदार बैट्समैन आसिफ अली की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस को बेहतर बना सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का वक्त से पता चल सके। बहुत शुक्रिया।